समीर भैया ने उड़ाया धोनी वाला हेलीकॉप्टर शॉट, मैं भी ट्राई करता हूँ अगर हो जाए तो। भाई आपको लग रहा होगा मैं कोई भंडारे की वीडियो दिखा रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। तो भाई काफी देर से मैं यहाँ खड़ा हूँ, बहुत ही खतरनाक माहौल बना हुआ है, प्लेट्स पे प्लेट्स लग के जा रही है, कस्टमर आ रहे हैं, देखो रिफिल करवाने, सामान सारा आगे बढ़ा है। क्या चाहिए बोलो सर? नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या हाल है भैया? बढ़िया जी बढ़िया। तो अभी भैया पूरा बिजी है रिफिल करने में। सर थैंक यू, आपने टाइम दिया अपना। ओके सर, धन्यवाद। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीर है जी। तो समीर भैया माहौल मैं देख रहा हूँ पूरा जमकर बिजी है, लंच आ रहा है, लोग आ रहे हैं और लगातार प्लेट्स लग रही हैं अपनी। एक बार ये सामने समीर भैया बॉर्नर में दिखाइए क्या क्या है। आइए सर, हम आपको दिखाते हैं, स्टार्टिंग से दिखाते हैं। ये हमारी ग्रीन चटनी है, ये हमारा रायता, ये गाढ़ापन देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सर, एकदम गाढ़ा। ये हमारी ग्रेवी। वाह, ये शाही पनीर की ग्रेवी समीर भैया। ये दाल मखानी, ये दाल मखनी आ गई। और भाई ये प्लेट देखो कितनी सारी लगा के रखी हुई यहाँ पर। और ये छोले, ये आ गए जी छोले, ये भी एकदम गाढ़े और बढ़िया। और ये भर के पनीर रखा हुआ है, क्या बात है यार। ये अमूल बटर, अमूल मक्खन, बहुत ही बढ़िया। समीर भैया वही है मतलब जो बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। हाँ हाँ वही समीर। तो शरारतें समीर भैया आपने कम कर दी आपके? नहीं अभी तो और ज्यादा है, अभी और ज्यादा है, पहले से ज्यादा है, क्या बात है। तो अभी समीर भैया पूरा बिजी है यार, कस्टमर्स खड़े हैं, ये देख रहे हो भाई कमाल के चूर चूर नान। ओहो, और दिल्ली शहर में ना भाई चूर चूर नान में जो इनका नाम है वो ऐसा जैसे साउथ में रजनीकांत। ओहो, ये भैया हेलीकॉप्टर भी उड़ा लेते हो? ये हवाई चूर चूर नान है जी। हवाई चूर चूर नान, क्या बात है। ये तो भाई जो देखा ना हेलीकॉप्टर में, ये देख के हैरान हो गए। समीर भैया एक और उड़ा के दिखाइए ना भाई। ये देखो ये नान पकड़ा, थोड़ा दूर से दिखाता हूँ आपको, ये देखना कैच हो जाएगा, ये गया भाई। ओह भाई साहब, नान यहाँ पे खिलाए भी जाते हैं और उड़ाए भी जाते हैं, कस्टमर्स खड़े वेट कर रहे हैं। और नान देखो उधर लगातार प्लेटिंग में, उधर चल के आपको दिखाता हूँ सारा माहौल। भाई ये पीछे देखो कस्टमर जी कस्टमर्स खड़े हैं, पूरा माहौल बना हुआ है। और इधर ये ढेर लगा हुआ है चूर चूर नान का। भैया सारे एक ही है, मिक्स नान ही है, सब चूर चूर नान ही है, एक ही चीज़ है दुकान पर यार, उसी के लिए माहौल है। अब ये देखो, ये एक, ये दो, ये टक करके भैया लगातार नान तंदूर में जाते जा रहे हैं। अब तंदूर का माहौल दिखाता हूँ अंदर से। वो भाई साहब बहुत बड़ा तंदूर है और मेरे हिसाब से यार पूरा फुल ही रखते होंगे। प्लेट्स देखो लगातार आती जा रही हैं, प्लेट में दाल है, पनीर है, दही है। सर कितने तरह की प्लेट्स होती हैं अपने पास? 5-6 तरह की प्लेट होती हैं। और अलग अलग सब्जी ले सकते हैं अपने चॉइस से? चार सब्जियां हैं, दाल मखनी है, शाही पनीर है, छोले हैं और मिक्स वेज है। वाह भाई, ये देखो सामने प्लेट्स लग रही हैं लगातार। दो सब्जियां आती है, दाल मखनी, शाही पनीर ले लो। दाल मखनी, शाही पनीर चाहे छोले ले लो, एक प्लेट में दो सब्जियां भाई कोई भी ले लो। और ये देखो ये बम की आवाज आ रही है ना, यहाँ पे लग रहे हैं जी नान। भाई आपको लग रहा होगा मैं कोई भंडारे की वीडियो दिखा रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो नान के लिए दीवान की है ना, वो ऐसे ही कस्टमर्स आते हैं, स्लिप लेते हैं, प्लेटिंग यहाँ पे लगातार होती रहती है। भैया पूरी प्लेट्स लगा के रखते रहते हैं, लाइन में कस्टमर खड़े हैं अपनी बारी के लिए। तो यार जो सामने सारे सीन दिखाए ना, वो तो था भाई ईटिंग का काउंटर। अब ये देखो यहाँ पे पैकिंग का माहौल, लोग खड़े हैं, जोमेटो वाले भैया खड़े हैं, लिफाफे लगातार यहाँ पे बने हुए हैं, माहौल जो है पूरा बिजी है। सर आप पैकिंग भेज रहे हो सारी? बहुत ही बढ़िया। सर क्या नाम है आपका? तो राहुल भैया यहाँ पर पैकिंग संभाले हुए हैं। और भाई देखो, ये देखो भाई, ये है नान की लुक, और लगातार चूर चूर नान सामने पैक हो रहे हैं जोमेटो वाले भाई, स्विगी वाले भाई। और इधर भी एक ही बार में मेरे को लगता है 30-35 नान लगाए जा रहे हैं तंदूर के अंदर। ये देखो भाई लगातार नान आ रहे हैं बाहर। भैया दुकान सुबह कितने बजे खुलती है अपनी? 10 बजे। और कितने बजे तक रहती है? 10 से 10। क्या बात है यार, 12 घंटे चूर चूर नान 10 से लेकर 10 बजे तक नहलाए जा रहे हैं नान मक्खन के साथ, और पूरा बढ़िया से गोल्डन करके ना, ये देखो खूबसूरती नान की 10 गुना बढ़ रही है मक्खन लगाने से। मक्खन के बाद ऊपर लगाया जा रहा है पनीर। ये जो स्टाइल है ना, वो सिर्फ यहीं पे मिले, अगर आपने कहीं और देखा तो वो यहीं से कॉपी होकर गया। बहुत ही कमाल का नज़ारा है यार, देख कर मैं हैरान हो रहा हूँ कि किस क्वान्टिटी के अंदर यहाँ पर नान प्रिपेयर किए जा रहे हैं। भैया इतना मक्खन धो दो नान के ऊपर, क्या बात है यार। माहौल यहाँ कर देख कर मैं हैरान हूँ यार, लगातार इतनी सारी प्लेट्स लगी हुई ना, और मैं वेट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि अपनी प्लेट कैसे लगेगी। भाई बाहर माहौल सारा दिखा दिया है, अब देखो मैं कितनी सी जगह के अंदर खड़ा हूँ। समीर भैया साथ है मेरे। अब ये देखो लगातार ना ये ऊपर डेकोरेशन पूरी करके प्लेट की, नान में भी पनीर डाला जाता है, पनीर की सब्जी में तो पनीर है ही है, और ऊपर पनीर अलग से, क्या बात है। समीर भैया एक प्लेट लगा के दिखाइए, और वो एक बार दोबारा अपना जो हवाई शॉट है
जैसे आईपीएल में धोनी को देखने के लिए हजारों लोग बैठे रहते हैं, यहाँ पे भी हजारों लोग आपको देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं आप छक्का कब उठाओगे। अभी उड़ाते हैं छक्का चौका। प्लेट लग रही है यार अपनी, फाइनली पाजी लगा रहे हैं। आपका नाम ही पाजी है ना, क्या बात है जी। चटनी आ गई, ये आ गया रायता, ये आ गया जी शाही, लोगों की शाही पसंद शाही पनीर, और ये बढ़िया आ गई जी साथ दाल मखनी, पनीर आया दोनों के ऊपर, और ये आया जी मक्खन, क्या बात है। प्लेट की जो लुक है ना यार बहुत ही ज्यादा सुंदर है। समीर भैया वेट कर रहा हूँ अब मैं, हाँ वेट करो। ये देखो भाई जैसे धोनी ने वर्ल्ड कप में लास्ट बॉल पर उठाया था ना छक्का, वो ये छक्का था भैया लगाइए। ये देखो जी हेलीकॉप्टर शॉट, लोग सर इसके इंतजार में रहते होंगे सारा दिन कि कब प्लेट लगे और कब छक्का उड़ाया जाए। ये छक्का भी हमेशा नहीं उड़ता, कभी कभार उड़ता है, मूड के हिसाब से उड़ता है। अच्छा तो लगता है आज मूड बढ़िया भैया का, बढ़िया आज तो कई छक्के उड़ाए हैं। आप बातें अच्छी कर रहे हो तो हमारा भी मूड अच्छा है। एक फिर और उड़ा के दिखाओ, ज्यादा मजा आएगा आज, एक और आएगा फिर। ये देखो नान की लुक एकदम बढ़िया, ऊपर मक्खन लगा के ना, ये ऊपर भैया पनीर और क्या क्या है काजू किशमिश, क्या बात है जी। ये नान लगाया, मैं थोड़ा पीछे होता हूँ और आपको दिखाता हूँ शॉट, एक दो तीन, ये गया भाई। वाह, कैमरे वालों को लोग जगह दे देते बैठने के लिए, पर यहाँ पे भाई कैमरा लाओ टोप लाओ जो मर्जी लाओ, जगह नहीं मिलनी बैठने के लिए, इतना रश है अंदर, इतना रश है बाहर खड़ा हूँ। ये टेबल नहीं है दुकान से दूर भाई, पीछे देखो दुकान से दूर भी टेबल लगे हुए हैं, लोगों के अंदर इतनी दीवानगी है कि नान खाने हैं कहाँ मर्जी खटा के खिला दो पर खाने जरूर है। धूप में खड़े होकर टेबल लगे, धूप में भी खड़े होकर खा रहे हैं, वो तो क्या आपका जादू है धूप से नदी। चलो मजाक आ गया दो, ये देखो भाई ये गुलदस्ता बना के दिया नान का, क्या बात है यार। अंदर देखा भाजी, एक नान दिखाता हूँ आपको, पूरा हैवी वेट नान है, काजू किशमिश ढेर सारा पनीर और मक्खन, तो भाई घुल मिल गया कहीं अंदर दिख नहीं रहा। बाकी प्लेट की एक बार रंगत चेक करो पास से, देखो दो नान, ये है जी दाल, दाल तो भाई सब छुपी गई है, इतना ऊपर मक्खन, इतनी ऊपर क्रीम डाल दी है, दाल छुप गई है। ये है पनीर शाही पनीर, ये देखो पनीर बढ़िया क्यूट डाला हुआ है, कमाल का रायता, अचार, प्याज, चटनी। तो शुरू करते हैं पास से, अब इतना रश था मैं अंदर की स्टफिंग तक नहीं दिखा पाया आपको क्योंकि भाई टाइम ही नहीं है उनके पास अंदर। अब यहाँ देख लो, अब आलू भरे हुए हैं, गोभी भरी हुई है, मिक्स नान है, जीरा वीरा भी भरा हुआ है, हर साइड से टूट रहा है नान, इतना थपेड़े मार के चूर चूर कर दिया ना इसको। लेते हैं भाई दाल के साथ, दाल में ना क्रीम डाल दी, ढेर सारा पनीर डाल दिया, मेरे को लगा था जो दाल की असली ब्यूटी है ना सुंदरता है वो जो मेकअप वेकअप कर दिया उसके लिए छुप जाएगी, पर ऐसा नहीं है, दाल का फ्लेवर भी पूरा स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया दाल है, कमाल का स्वाद। ये देखो जी पनीर और ऊपर जो देख रहे हो ना ये मक्खन है, भिगो के मक्खन डाला है पनीर में, एकदम शाही। भाई मेरे हिसाब से ना जो सही कॉम्बो बनेगा वो बनेगा छोले लो साथ में, और साथ में लो ये पनीर, पनीर की जो टेस्ट है पनीर का जो वो अनमैचेबल है, इसके साथ कॉम्बो कमाल का बन रहा है। ओहो जैसे ढाबा फूड में ना पंजाबी ढाबे का जवाब नहीं, वैसे ही पंजाबी ढाबा वो कमाल कर देता, वट कर देता। दिल्ली में आए हो पंजाब से अगर स्पेशली तो ये आइटम वैसी ही हमारे साइड नहीं मिलती, यहाँ पे बहुत कमाल है तो टेस्ट करनी बनती है, ज़रूर खाओ यहाँ पे आके खाओ। सेक्टर 12 द्वारका में हम खड़े हैं राजू चूर चूर नान पे, 190 रुपये की थाली है पूरी हैवी, वन टाइम उन्होंने लिख के लगाया रिफिल ले सकते हो एक बार बस, दीदार द्वारा कर लो, स्वाद बढ़िया चीज़ अच्छी है, आ जाओ खा जाओ मौज मना जाओ। समीर भैया ने उड़ाया धोनी वाला हेलीकॉप्टर शॉट, मैं भी ट्राई करता हूँ अगर हो जाए तो। करूँगा जी, नहीं नहीं रहने दो, चलो देखो बस, इतना ही है ठीक है।